आप सभी का क्राफ्ट वे नीडू चैनल में स्वागत है। आज मैं मैदे की मठरी बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने 500 ग्राम मैदा ली है। ये आधी चम्मच काली मिर्ची है, एक चम्मच नमक है और ये आधी चम्मच अजवाइन है। मैं इसमें तीनों चीज़ डाल दूँगी। ये देखिए, मैं तीनों चीज़ डाल दी हैं। ये काली मिर्ची भी इसमें डाल दी है और ये मैंने गर्म पानी लिया है इसको मारने के लिए। अब इसमें मैं 4 चम्मच मोइन डालूंगी। ये देखिए, मैं मोइन डाल दी हूँ 4 चम्मच। ये मैंने 4 चम्मच मोइन डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए, हम इसी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैंने ये 500 ग्राम मैदा में 100 ग्राम ऑयल डाला है मोमन वाला। अब ये देखिए, बिल्कुल मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ट से लड्डू बन रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इस तरह का मोमन होना चाहिए। अब मैं उसे गुनगुने पानी से मार दूंगी इसको। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है और हमें जितना चाहिए उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह हम इसको मार लेंगे, जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं उसी तरह से इस मैदे को मार लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए, हमने इस तरह से मैदा मर गई हमारी। हम अब इसके छोटे छोटे बाउल बना लेंगे, ऐसे करके ये हम बॉल बना रहे हैं। आप चाहे तो छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम इनको गोल करके हम इस तरह से इनको बेल लेंगे और इसे फॉक्स की मदद से इसमें छेद कर देंगे। ये छेद हम इसलिए कर रहे हैं कि मठरी फूले नहीं, फूल जाएगी तो क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये हमने छेद कर लिए और मीडियम गैस पर कराया। तो देखो, इसमें थोड़ा सा डालकर हम देख लेते हैं, ऊपर आ गई है तो समझो तेल गरम। हम मीडियम गैस है हमारी, हम इसमें अभी मठरियाँ डाल देंगे जिसमें हल्की लाल तक हम इन्हें ऐसे ही सेकते रहेंगे, बराबर पलटेंगे। ये हम ये डाल दिए मठरियाँ, अब इनको थोड़ा सा पकने के बाद पलट देंगे। ये देखिए, हमारी हल्की हल्की लाल हो गई है। ये हम हल्का सा पलट देंगे इनको, दूसरी तरफ से भी थोड़ा लाल लाल हो जाएंगे, तब तक हम इनको सेकेंगे। ये देखिए, हमारी सिक्कर तैयार है। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारी सिक्कर तैयार है। हम इसको मठरी को लेकर टिश्यू पेपर पर रखेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। ये देखिए, हमारा है भी नहीं, फिर भी हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है। हम चटनी और सॉस लगाकर इसको परोसेंगे, आप चटनी से या सॉस से। ये देखिए, हमने इस तरह से लगा दिया है। आप चाहे तो किसी भी तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। और देखिए, मेरी मठरी कितनी क्रिस्पी है, तुरंत ही टूट रही हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है।